स्वागत है भाइयों आपके अपने भाई के चैनल कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स में। तो भाइयों अगर आप ड्रीम इलेवन पे ये मुकाबला खेलने वाले हैं एलिमिनेटर दूसरा प्रो कबड्डी लीग सीजन 6 में जो एलिमिनेटर मुकाबले चल रहे हैं यानी कि प्ले ऑफ और आज का दूसरा एलिमिनेटर मुकाबला जो कि बंगाल वॉरियर्स और दबंग दिल्ली के बीच खेला जाएगा, अगर आप ये खेलेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम करेंगे कबड्डी के इस मैच की पूरी एनालिसिस डिटेल में, जानेंगे क्या प्लेइंग सेवन रहने वाली है दोनों ही टीमों की तरफ से और जानेंगे क्या टीम न्यूज है दोनों ही टीमों की तरफ से और बनाएंगे अपनी ड्रीम इलेवन की एक बेस्ट टीम। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक अपने अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए भाइयों बात कर लेते हैं इस मुकाबले की। तो आपको बता दें कि बंगाल वॉरियर्स वर्सेस दबंग दिल्ली केसी का यह जो मुकाबला है राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कोची में खेला जाएगा और अगर आप मैच की डिटेल्स देखना चाहें तो यहाँ से पूरी की पूरी मैच की डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मैच डिटेल्स दे रखी है। तो चलिए बात कर लेते हैं टीम न्यूज़ की। आपको बता दें कि दोनों ही टीमों की तरफ से हालांकि फ़िलहाल कोई इंजरी की न्यूज़ नहीं है अभी तक, अगर कोई टीम न्यूज़ आती है तो मैं ज़रूर ही आप लोगों को दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर कमेंट बॉक्स में। हाँ अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हमारा जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको डेडलाइन से 10 मिनट पहले या 30 मिनट पहले यानी लगभग 15 मिनट पहले आपको एक टीम दी जाती है जो कि बहुत ही सेफ टीम रहती है और इसमें जीतने के चांसेस 95% प्लस रहते हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं हेड टू हेड के लिए और स्मॉल लीग के लिए और सभी टीम आपको वहाँ मिल जाएगी, फुटबॉल कबड्डी और क्रिकेट के भी सभी टीम आपको वहाँ पे मिल जाती है तो आप जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की रिसेंट परफॉर्मेंस की। तो अगर बता दें आपको कि यहाँ बंगाल वॉरियर जहाँ अपने पिछले 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबला जीती और 2 मुकाबला ये हारी है और वहीं दबंग दिल्ली केसी की बात करते दबंग दिल्ली जहाँ अपने पिछले पाँच मुकाबले में से तीन मुकाबला में जीत हासिल हुई, इन्हें एक मुकाबला में हार का सामना करना पड़ा, एक मुकाबला इनका ड्रो रहा है। तो दोनों ही टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, खास तौर पे दबंग दिल्ली और यहाँ पे बंगाल वॉरियर भी अच्छा ही प्रदर्शन कर रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से विन रेट और जाके बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर की, ताकि आपको अपनी ड्रीम इलेवन की टीम में बेस्ट रेडर और डिफेंडर को चुनने में आसानी रहे। तो आपको बता दें दबंग दिल्ली जो है खेले हैं इन्होंने मैच 22 और उसमें से जीते हैं 11, 2 मुकाबले इनके रहे टाई और हारे हैं इन्होंने 9 मुकाबले। तो इनका विन रेट जो रहा विन परसेंट रहा है 50%। और वहीं बात कर लेते हैं इनके बेस्ट रेडर जो कि है नवीन कुमार और बेस्ट डिफेंडर है अभी तक रविंदर पहाल। और वहीं बंगाल वॉरियर की बात करते बंगाल वॉरियर ने खेले हैं 22 मैच, कुल जीते हैं इन्होंने 12 और हारा इन्होंने सॉरी टाई रहे इनके 2 मुकाबले और हारा इन्होंने 8 मुकाबला। इनके विनिंग परसेंटेज रहे हैं 54.55 और वहीं बेस्ट रेडर रहे इनके मनिंदर सिंह और इनके बेस्ट जो डिफेंडर रहे हैं सुरजीत सिंह। तो बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग सेवन क्या रहने वाली इस मुकाबले के लिए। तो बंगाल वॉरियर्स की तरफ से आपको बता दें कि रन सिंह, मनिंदर सिंह, जैन कुंडली, रविंद्रा, रमेश, कुमावत, जियाउर रहमान, सुरजीत सिंह और बलदेव सिंह आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं दबंग दिल्ली केसी की तरफ से आपको बता दें जोगिंदर नरवाल, नवीन कुमार, चंदन नरजीत, मिराज शेख, विशाल माने, राजेश नरवाल और रविंदर पहाल आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये प्लेइंग से बनने वाली है दोनों ही टीमों की तरफ से। तो चलिए आप किस प्रकार ड्रीम इलेवन की टीम बना सकते हैं इस मुकाबले के लिए देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आप किस प्रकार ड्रीम इलेवन की टीम बना सकते हैं इस मुकाबले के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको लेके जाऊँगा रेडर सेक्शन, हालांकि डिफेंडर सबसे पहले यहाँ पे है लेकिन आपको बता दें कि जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है यहाँ पे रेडर ही रहते हैं और सबसे बेहतरीन प्लेयर्स मेरे हिसाब से यही पे आपको मिलेंगे तो आप इनको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिया है मनिंदर सिंह, नवीन कुमार और चंदन रंजीत, यहाँ पे मैंने तीनों ही बेस्ट रेडर को ले लिया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने तीनों ही बेस्ट रेडर को ले लिया है। हाँ हालांकि अगर आप यहां पे ट्राई करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, चंदन रंजीत या नवीन कुमार दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके जैन कुंडली को जरूर ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मनिंदर सिंह को आप ड्रॉप करें, इनको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, मेरे हिसाब से इनको ड्रॉप करना ही नहीं, डिफॉल्ट पिक रहेंगे। हालांकि इन दोनों में से किसी को करना चाहे तो ड्रॉप करके बिल्कुल ही ट्राई कर सकते हैं जैन कुंडली को। अब बता दें कि आपको कि ये खेलते हुए नज़र आ जाएंगे और 30% लगभग लोगों ने लिया है तो आप लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। और वहीं ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो देखिए ऑलराउंडर सेक्शन में मिराज शेख तो डिफॉल्ट पिक रहेंगे, इनको तो आप बिल्कुल
ट्राई करना ही कर रहा है, ड्रॉप नहीं करना है इनको, इनको लेके चलना ही चलना है। और वहीं बात करें रन सिंह को, आप यहाँ पे ले सकते हैं, रन सिंह को लिया है केवल लगभग 27% लोगों ने, तो आप इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और ग्रैंड लीग अगर आप टीम बनाए तो इधर से रन सिंह को भी कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर मिराज सिंह को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चल सकते हैं। और यहाँ पे जो एक प्लेयर है रविंद्रा कुमावत आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, तो इनको आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और वहीं डिफेंडर सेक्शन में बात करें तो देखिए यहाँ पे मैंने रेडर जो है सबसे मजबूत तीनों रेडर ले लिए हैं, ऑलराउंडर में भी मैंने बहुत ही मजबूत ऑलराउंडर लिया है, काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर लिया है। तो यहाँ पे जो हमारे डिफेंडर है थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, हालांकि फिर भी बहुत ही अच्छा मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया आपके लिए। तो विशाल मैनेज माने को यहाँ से मैंने लिया है, जियाउर रहमान और बलदेव सिंह को लिया है। अगर आप नहीं लेना चाहते, अगर कुछ यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपके पास सुरजीत सिंह जो कि बंगाल वॉरियर के सबसे बेहतरीन डिफेंडर है, और रविंदर पाल को ले सकते हैं जो कि दबंग दिल्ली के बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर है। हालांकि इसके लिए आपको क्रेडिट मैनेज करना होगा, तो इस मुकाबले में आप पे ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार क्रेडिट मैनेज करके चल सकते हैं। तो चलिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते, देखिए कैप्टन यहाँ से मैंने बनाया मनिंदर सिंह को और वाइस कैप्टन बना रहा हूँ नवीन कुमार को। हालांकि अगर आप ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल मिराज से एक बेहतरीन पिक होने वाला है कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों दोनों ही के लिए। आप कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही इनको ट्राई कर सकते हैं, या चाहो तो आप कैप्टन को बना लो और मनिंदर सिंह को वाइस कैप्टन, या फिर इनको कैप्टन इसको वाइस कैप्टन। और यहाँ से मैंने इसलिए जो है आप पे ये छोड़ा है, इसलिए यहाँ पे मैंने नवीन कुमार को यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप एक चेंजेस कर सकते हैं, और आप जो कर सकते हैं यहाँ पे कि चंद्र रंजीत के साथ भी बिल्कुल जा सकते हैं। तो तीनों चारों ही काफ़ी अच्छे पिक होने वाले हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो देख लेते हैं टीम प्रीव्यू, तो ये हमारी टीम रहने वाली है, और अगर आप जाना चाहें इस टीम के साथ तो बिल्कुल एक दो चेंजेस करके जा सकते हैं, ये टीम आपको काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दे देगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप अपने इस भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।